गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक। तो मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी और वापस से स्वागत है आपका अपने अकेडमी के चैनल पे। देखो पहले कौन कौन से लोग आ गए। देखो आज मैं टाइम पे हूँ, किसी ने नहीं बोलना है कि आज मैम लेट हुई है, पहले बता रही हूँ। हर्षित हाय, हेलो मोहित, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये कौन सा हर्षित बच्चा है ये जो 8 बजे आ गया है? तुम लोग को पता है 8:30 बजे मेरी क्लास होती है। अच्छा मोहित, चलो तुम 8:30 बजे आए हो, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो एग्जाम के बारे में थोड़ा पहले से बातें कर लेते हैं आपके बारे में, एग्जाम के बारे में वापस से। दीपक हाय हेलो। बच्चों आपके एग्जाम जो है देखो आने वाले हैं। अब तुम्हारे चाहे डिफेंस के एग्जाम की बात कर लो, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की बात कर लो, तैयारी तुम लोग को करनी ही पड़ेगी। और GS जो है तुम्हारा वो हर एक सब्जेक्ट में आएगा, हर एक एग्ज़ाम में आएगा। तो बच्चों जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हो, थोड़ा बैठ के आराम से थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, तैयारी कर लो। जहाँ तक आपकी बात रही डिफेंस एग्ज़ाम की, CDS की, FCAT की, CAPF की, तो CDS 2 की तैयारी करो। NDA आने वाले हैं आपके, और नेक्स्ट ईयर की तैयारी जो है वो अभी से करनी शुरू कर दो। मैंने बोला ना, ये 1980 के दशक का एग्ज़ाम नहीं हो रहा तुम लोग का, कि तुम लोग 2 महीने पहले पढ़ाई करनी शुरू करोगे और तुम्हें लगेगा कि अरे हम 2 महीने में अगर हम रगड़ के पढ़ लेंगे तो मेरा तो बस हो ही जाएगा। वैसा होने वाला है नहीं बच्चों। तो पढ़ाई जो है तुम लोग को एकदम ढंग तरीके से करनी होगी, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी फिलहाल इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप जब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हो, जब प्लस कोर्स लेते हो, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जिस तरीके से ये आपके लिए बनाया गया है। जैसे यहाँ आपको आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाती है। आप चाहे डिफेंस के लिए आप ले रहे हो, चाहे आप किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए ही क्यों ना ले रहे हो, आप यहाँ पे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके एक प्रॉपर अलग अलग टीचर्स रखे गए हैं। वहाँ एक प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो जिस क्षेत्र में माहिर है उनको वो टॉपिक प्रोवाइड किया हुआ, उनको सब्जेक्ट है, और उनसे बेहतर तरीके से आपको और कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं आपके, अगर ख़त्म हो जाते हैं यहाँ आपको, अगर आप समझ लो कहीं भी बैठ के आप एक तो पहली मतलब क्लास अटेंड कर सकते हो। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आपको कोर्सेज वो रिकॉर्डेड कोर्सेज हो जाएंगे। आपको अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आपके डाउट सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, आपके क्विजेस होते हैं, फ्री क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब जितनी तरीके की भी तैयारी है, जो प्रॉपर एक तैयारी होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होगा, क्योंकि आधे बच्चे बोला ना वापस से वही कंफ्यूजन में रहते हैं कि अरे यार क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे नहीं पढ़े। तो यहाँ जो है, यहाँ आपको हर एक चीज़ की सुविधा क्या है मिल जा रही है। बस करना क्या है कि आपको पढ़ाई करनी है बैठ के। चलो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दो पहले। कहाँ हो तुम लोग सारे के सारे, बस देख रहे हो, कोई शेयर नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग। चलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम है दिव्या त्रिपाठी और मैं आपको मेंटर कर रही हूँ जनरल स्टडीज़ के लिए लेके GS को लेके। तो बच्चा 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे और एग्ज़ाम क्लियर किए हैं मैंने, और फिलहाल मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट में। चलो तो मेरे बच्चों, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो देखो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर डिफेंस के लिए अलग अलग 5 तरीके में डिवाइड किया हुआ है। 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने। तो मैं तुमको यही बोलूँगी कि 1 महीने और 3 महीने तो बेनिफिशियल नहीं होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जो बच्चे जो आप तैयारी है उनके लिए अच्छा है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम मतलब बहुत पहले से। थैंक यू दीपक, गुड मॉर्निंग सत्यम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, हेलो दीप, अभी यहाँ पे क्या होता है आपके साथ कि एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तुम 1 या 3 महीने पहले नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? एटलीस्ट तुम्हें 6 महीने पहले से तैयारी तो करनी शुरू करनी ही पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा प्लान देख लो, अगर तुम 1 महीने का भी ऑप्ट करते हो तो पड़ता है 1,440, 3 महीने का 3,600, 6 महीने का 6,480, 1 साल का 7,920, और अगर तुम 2 साल का ले रहे हो तो तुम्हें देना पड़ता है 11,520 रुपये, यानी तुम्हारा 1 महीने का चार्ज पड़ता है 480 रुपये, ठीक है? और बच्चा देखो, डिफेंस की बात नहीं है, तुम जहाँ भी तुम अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो वहाँ मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, दिव्या मैम, चाहे तुम SSC के लिए तुम कर रहे हो, चाहे तुम किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहाँ मेरा कोड यूज़ करो, दिव्या मैम, DIVYAMAM, दिव्या मैम, और प्रोसीड करो पे करने के लिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग शिवम। चलो बच्चा, आज जो है आज मैं तुम लोगों को न्यूज़ पढ़ाने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ तुम लोगों को कि ये क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन करो। डीप डिफेंस की क्लास हो रही है बच्चा, और GS जो है आपका GS टॉपिक
जिस भी एग्ज़ाम में आता है उसके लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे वो मोर देन एनफ है। ठीक है, चलो तो आज आप लोग को मैं न्यूज़ थोड़ा सुना दूँ पढ़ के। सो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट अ फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजीत टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अभी अभी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तुम लोगों ने ये नाम सुना होगा DRDO। जब मैं तुम लोग को डिफेंस का बजट पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि किसको कितने पैसे मिले थे, तो कहीं वहाँ से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर लो। तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। पहले उन लोगों ने सक्सेसफुली अभी बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने किया था सॉलिड फ्यूल के ऊपर, SFDR टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो वो बहुत सफल रहा और उन्होंने कहाँ पे कंडक्ट कराया था, चांदीपुर कोस्ट ऑफ ओडिशा के पास। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है बताओ ज़रा फटाफट तुम लोग, पहले बताओ तो CM कौन है। गुड मॉर्निंग सुजय। शिवम, तुम्हारी ज्योग्राफी की सेशन जो है वो मैंने बात कर ली है शुरू करने की, तो मुझे एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स जब मुझे प्रोवाइड करा दिया जाएगा प्ले लिस्ट के द्वारा, तो मैं आपका NCERT से चैप्टर वाइज चलूँगी। ठीक है, डोंट वरी। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड दीपक। चलो ठीक है शिवम, मैंने वहाँ पे बात कर दिया है कि मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस भी मैं आपकी लेने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे जो टाइम है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। बच्चा, यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा सेशन ले रही हूँ, अदरवाइज़ यूट्यूब पे सेशन लेना इतना ज़्यादा एक्चुअली है नहीं। ठीक है, क्योंकि लेना होता है प्लस पे ही, इसीलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि अब जो ज्योग्राफी हो गई या फिर आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हो गए, ये अलॉट किया जा रहा है प्लस पे लेने के लिए, लेकिन जितने सेशन में ले रही हूँ ये इतना लिया जा नहीं रहा है, बट बिकॉज ऐप पे लेना पड़ता है क्लासेस। हाँ जी, वेरी गुड नवीन पटनायक, बहुत अच्छे। नाउ, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है जिसके बारे में अभी बात कर रही हूँ, DRDO है क्या? देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO फाउंडेड 1958। कब इसका फाउंड कब हुआ था, कब ये बना था, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। चेयरमैन इसके कौन है, सतीश रेड्डी चेयरमैन है, जी सतीश रेड्डी। रीसेंट न्यूज़ आप अगर आप देख लो DRDO का, तो किस वजह से ये अभी न्यूज़ में था फिलहाल के टाइम पे, अगर इस न्यूज़ को छोड़ दो तो, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की वजह से अभी न्यूज़ में था। सचिन यादव, गुड मॉर्निंग। देखो जान लो, मैं जो भी बता रही हूँ, मैं जो भी न्यूज़ बता रही हूँ ना, मैं उनके बारे में भी बताती हूँ। एलेक्स हाय हेलो, मैं जो भी न्यूज़ बताती हूँ मैं उसके बारे में भी बताती हूँ, ताकि तुम लोग को एक पूरा डिटेल्ड फॉर्म जो है वो तुम लोग को मिल सके कहीं ना कहीं। एलेक्स आई एम गुड, हाउ आर यू। नाउ, इंडियन शटल्स वरुण कपूर एंड मालविका बैंसवाल रजिस्टर्ड द हार्ड फाउट विन टू क्लिंच द मेन्स एंड द वुमेन्स सिंगल टाइटल रिस्पेक्टिवली एट द 2021 युगांडा इंटरनेशनल एट कैंपाला। देखो, दो हुआ था, एक मेन सिंगल था और एक फीमेल सिंगल था, वुमेन सिंगल था। ठीक है, वहाँ पे वरुण कपूर यहाँ मेन सिंगल से जीतते हैं बाकियों को हरा के, और वहाँ पे वुमेन सिंगल से मालविका जीतती हैं, और ऑब्वियसली दैट वॉज अ टफ फाइट। ठीक है, और अपने नाम पे ये दोनों टाइटल कराते हैं। ये कब हुआ है, 2021 में हुआ, युगांडा इंटरनेशनल में कैंपाला में हुआ है, याद रखना। नॉट एन इश्यू अमृदुल, चलो ज्वाइन कर लो फटाफट। नाउ, द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन लॉयर एंड राइट एक्टिविस्ट किरण आहूजा टू हेड द ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अभी अभी US प्रेसिडेंट, जो कि तुम्हें पता है अभी ट्रंप हुआ करते थे, फिर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अमेरिका, वहाँ पे काफ़ी बवाल हो रखा था,
ट्रंप थे, उसके बाद जो बाइडेन मेजोरिटी के साथ जीतने के बाद आते हैं, उसके बाद काफ़ी केसेस हुए थे, और इस बार का अमेरिका का जो इलेक्शन था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लोग काफ़ी टीवी पे जो है वो ध्यान लगा के बैठे हुए थे। यार ये हल्की भी रोशनी हो जाने से ना कमरे में, लाइट तो ऑफ करके रखा है मैंने बालकनी को, पूरे फेस में ये होने शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने नॉमिनेट किया है इंडियन अमेरिकन लॉयर को, जो कि इंडियन इंडियन बेस्ड ऑब्वियस थिंग है, और अमेरिकन वहाँ पे बेस्ड लॉयर है और कहीं ना कहीं राइट एक्टिविस्ट भी है, जिनका नाम है किरण आहूजा। अब वो बनेंगी कौन से ऑफिस ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट की हेड बनेंगी, उनको जो बिडेन ने नॉमिनेट किया है इस चीज के लिए। ओके अभी रिसेंटली अगर तुम लोग न्यूज की बात करोगे तो इंडियन यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 कमेंस्ड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। न्यूज रिसेंटली अगर मैं डिफेंस के बारे में बात करूं तो अभी इंडियन और यूएस ज्वाइंट की मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई थी, जिसके बारे में तुम लोग से बार बार बोल रही थी, युद्ध अभ्यास 20 रिमेंबर, तो वो कमेंस कहाँ से हो रही है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। याद रखना मैं क्वेश्चन पूछूंगी वापस से कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तब तुम लोग मत बोलना मैम केरला, मैम तमिलनाडु, तब मत बोलियो, तुम लोग बता रही हूँ मैं। ए रुक जाओ थोड़ा, मुझे ये बालकनी बंद करने दो, वेट। गुड मॉर्निंग देवांश, चलो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने बताया आपको युद्ध अभ्यास के बारे में, 2020 कमेंस कहां से हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान। अगली बार जब मैं पूछूंगी तो ये मत बोलना कि मैम नहीं आता है, कंफ्यूज अगर हुए पढ़ लो और ध्यान से देख लो। कुछ कुछ बच्चों को तो पता है कितनी तारीख तक हुआ था, लेकिन तुम लोग जो हो ना कुछ कुछ तुम लोगों को पता रहता नहीं है। नाउ अभी बात कर लेते हैं, अब चूंकि राजस्थान के बारे में बात हो रही है तो वहां के बारे में थोड़ा तो जानना जरूरी है। अरे यार मम्मी और लुकिंग लेते बच्चा, वक्त देखो। अब यकीन मानो मैं सुबह 4 बजे उठने वालों में से नहीं हूँ। चलो बस तुम लोग की क्लास के लिए उठना पड़ रहा है इतनी सुबह सुबह, पता है तुम्हें। नाउ सीएम कौन है राजस्थान के, अशोक गहलोत गवर्नर, और यहाँ पे कालराज मिश्र। तुम्हें राजस्थान का किस्सा तुम सबको याद होगा आई होप, क्या हुआ था इलेक्शन के टाइम पे और कितनी बवाल हुए थे एमपीज एमएलए को लेके भी। हाँ जी कलराज मिश्रा गवर्नमेंट। चलो नाउ इंडिया हैज अर्ज्ड डब्ल्यूटीओ मेंबर टू रीच द कॉन्शियस ऑफ अ प्रपोजल ऑन द वेवर ऑफ द सर्टेन प्रोविजन इन अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू डील विद द कोविड-19 क्राइसिस, stating that one cannot continue to engage in endless discussion when millions of lives are lost to the pandemic. अभी अभी इंडिया ने अर्ज किया है WTO के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको री किया है, उनको प्रपोजल दिया है वेवर के लिए, एक सर्टन प्रोविजन दिया है एक एग्रीमेंट के तौर पे, और कहीं ना कहीं कहा है कोविड-19 से डील करने के लिए, ये कहते हुए कि हम ज़्यादा दिन तक इंगेज नहीं हो सकते एंडलेस डिस्कशन में, जबकि इस पैंडमिक की वजह से बहुत सारे जान गई है और बहुत सारे लॉस हुए हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तुम लोग अगर लग रहा है कि कोविड ख़त्म हो चुका है और तुम लोग बाहर घूम सकते हो और खाना पीना एकदम मज़े में खा रहे हो जो बाहर घूम घूम के, और ये जो भीड़ हो रही है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो इसको, क्योंकि ये जो है ना हर दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है कोरोना का। डिफेंस एम्पायर हाय हेलो, थैंक यू एलेक्स। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोरोना जो है वो बहुत बढ़ रहा है। अब बात ये है
कि अब वापस से कंट्री जो है वापस से अर्थव्यवस्था बंद नहीं की जा सकती है। तुम्हें पता है इकोनॉमी कितने ज़्यादा लॉस में चली गई थी अब बंद की वजह से। अगर सब कुछ कोई सब अगर घर में बैठ जाएंगे, किसी ने अगर कमाना ही नहीं है तो इकोनॉमी में पैसा जाएगा नहीं, तो ऑब्वियस चीज़ है उसके बाद क्या हालत होगी। तो ये कहीं ना कहीं अगर सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर के साथ अगर चला जाए, बाकी तो ह्यूमन हो ही जाओगे तुम लोग। विकास गुड मॉर्निंग। अब मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लूँ, WTO। हाँ पांडे जी, डरते थोड़ी ना तुम कोरोना से, सही बात है। चलो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं, WTO के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 164 मेंबर स्टेट टोटल मेंबर्स। हाँ जी देवांश त्यागी जी, राधे कृष्णा। हाँ शिवम, मैं तो बता रही हूँ केसेस हर जगह मिल रहे हैं। अब देखो तुम लोग को अब ज्यादा पता नहीं चल रहा, कहते जब चीज नई नई होती है ना तो लोग बहुत हुल्ला मचाते हैं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। अब थोड़ी ना बताएंगे, अब तुम लोग देख तो रहे हो एक नया स्ट्रेन भी वापस से मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर तुम लोग सहूलियत अगर सबको ही रखते हैं, अगर जितने बच्चे यहाँ पे सुन पा रहे हैं, तो जितने भी अगर तुम लोग थोड़ी भी अगर सहूलियत रखते हो, अगर थोड़ा भी ध्यान रखते हो इन चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो सुधार होगा प्रिकॉशन। नहीं तो मास्क के तो अलग अलग तरीके निकल गए, मास्क कभी कान पे लगा लो, कभी नीचे लगा लो। हाँ दीपक वैक्सीनेशन ले लो यार, अच्छा है। ओके फाइन, थोड़ा सा रुक जाओ, नेट इतना लैग क्यों कर रहा है, लेट मी चेक। नाउ एम्बेसडर एंड द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ब्रजेंद्र नवनीत। अभी WTO के बारे में बता रही हूँ तुम लोगों को मैं। बच्चों प्लीज मुझे बताइए ऑडियो या वीडियो क्लियर है या फिर नहीं। किरण, मैम इंटरेस्टेड इन द CDS। बच्चों अगर ऑडियो वीडियो कहीं भी लैग करेगी प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। चलो थैंक यू, किरण क्या बोल रहे हैं, थैंक यू पांडे, दीपक, शिवम, किरण, वेरी वेरी मच थैंक यू। सीधे अरे बाबा तैयारी करनी शुरू करो, और अगर थोड़ी पढ़ाई में अगर कोई कमी नहीं रखोगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ त्यागी, NCERT विल बी सफिशियंट तुम लोग के डिफेंस एग्जाम के लिए, एकदम पूरी पूरी सफिशियंट NCERT पूरी तरीके से। और जो मैं क्लासेस तुम लोग के लगा रही हूँ NCERT स्पेक्ट्रम साथ में एक साथ लगा रही हूँ पढ़ के, ठीक है। चलो बच्चा, नाउ एम्बेसडर ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? ब्रजेंद्र नवनीत, देख लो चेहरा याद रखो। थैंक यू सुजय। नाउ चिनाब ब्रिज, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इज ऑल सेट टू कंप्लीट एन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन माइल स्टोन बाय दिस मंथ। चिनाब ब्रिज, अभी अभी बात कर रही थी मैं उसके बारे में, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होने वाला है और कनेक्ट कर रहा है कश्मीर को बाकी सारे स्टेट्स के साथ। अब ये पूरी पूरी तरीके से कंप्लीट होने के लिए रेडी हो चुका है, अब ये कंप्लीट होने वाला है इसका कंस्ट्रक्शन, और ये अब सेट करने वाला एक माइल स्टोन बाय 10 मंथ। खुश हो जाओ सारे के सारे अब।
Now, as a part of the Udhampur Srinagar Bramulla Rail Link Project USBRL, Indian Railways is constructing a bridge over the Chenab River. The Chenab Bridge is being made as the highest of height of 359 meters above the river bed, making it the highest railway bridge in the world. सोच रहे हो मतलब तुम लोग क्या, तुम लोग के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे मुझे, क्लियर नहीं हो रहा है क्या? अब देखो, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है, जिसको तुम शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे USBRL, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रही है, हमारी इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर रही है ये ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर. अब चेनाब ब्रिज जो है वो ऑलमोस्ट जहाँ से रिवर है नीचे वहाँ से लेके ऊपर 359 मीटर ऊंचा है. समझ रहे हो, इसकी हाइट 359 मीटर अबव द रिवर बेड नदी से, जो कि इसको दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाता है. चलो अमनदीप, गुड मॉर्निंग बच्चा. आई बफरिंग हो रही है फिर नहीं हो रही है बताओ मुझे. चलो नाउ, अगर अब बात कर रहे हैं इंडियन रेलवेज के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अब ये फॉर्म कब हुआ था इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. मार्च 1905 को बना था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, हमारा इंडियन रेलवे जिसके बारे में बात कर रहे हैं. इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी. और चेयरमैन कौन है, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है, सुनीत शर्मा. बच्चे थोड़ा क्लियर कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, आप लोगों को बफरिंग हो रही है फिर नहीं हो रही है प्लीज. ऑल गुड, थैंक यू ब्रदर. क्या त्यागी, क्या सजेस्ट करना है बच्चा, क्या सजेस्ट करना है त्यागी? हेमंत थैंक यू. चलो, इंडिया हैज लॉन्च द रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू हेल्प द सी फेयरर्स एंड द फिशरमैन एज एंड व्हेन दे नीड. दिस सिस्टम हैज बीन नेम्ड एज अ सागर मंथन मर्केंटाइल मैराइन डोमेन अवेयरनेस सेंटर. अभी भी इंडिया ने लॉन्च किया है रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम, तुम्हारे नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियसली ट्रैक करने की चीज़ है. तो ये मदद करेगा जो हमारे जो सी फेयरर है, जो फिशरमैन है, जो मतलब मछुआरे हैं या फिर जो समुद्र में जो रह रहे. क्या लिख रहे हो आप लोग बच्चे, नो बफरिंग, थैंक यू, ऑल गुड, थैंक यू अमनदेव. जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम जो है उनकी मदद करेगा. अब इस सिस्टम का नाम रखा जा रहा है सागर मंथन, और अगर तुम बोल दो तो मर्केंटाइल मैराइन डोमेन अवेयरनेस सेंटर. ओके, सागर मंथन. नाउ अभी सिस्टम जो है ये लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा, ऑब्वियसली थिंग इज आई बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा. कहाँ पे, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में लॉन्च किया जा रहा गया. कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा. अच्छा त्यागी क्या बोल रहे हो, मैम एनसीईआरटी डिपेंडिंग एट व्हेन आई एम ट्राई टू सॉल्व मेडिकल क्वेश्चन. बेटा तब वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप मिस कर दे रहे होंगे. अगर हिस्ट्री जब भी पढ़ते हो उसके लिए दिमाग से रिलेट करने की ज़रूरत पड़ती है. 11th 12th की हिस्ट्री पढ़नी होगी बच्चा, उससे पहले की हिस्ट्री से काम नहीं चलेगा. उससे पहले की हिस्ट्री के साथ साथ मैं बोलूँगी ज़्यादा कंसंट्रेशन तुम्हारा होना चाहिए किस पे, उस पे 11th 12th पे. ठीक है, थोड़ा बहुत अगर तुम मदद ले सकते हो तो तुम ले सकते हो, उस पर किताब आती है एक छोटी सी, तुम उससे मदद ले सकते हो. बाकी मेरी क्लासेस होती हैं हिस्ट्री की तो तुम उसको देख सकते हो, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट और क्लियर क्लियर पॉइंट्स ही समझाए हैं. ओके, नाउ
अतुल कुमार जैन हैज बिन ट्रांसफर टू न्यू दिल्ली टू एज्यूम द चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी. देख लो तुम लोग डिफेंस वालों, अतुल कुमार जैन जिनका ट्रांसफर हुआ है न्यू दिल्ली में, अभी वो एज्यूम करने वाले हैं चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन स्टाफ ऑफ द कमिटी. अब डिफेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में. इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. फाउंडेड कब हुआ था? ऑब्वियस थिंग इज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ऑब्वियसली. सो इट वॉज फाउंडेड ऑन 15 August 1947. नाउ द इंडियन ट्रायो ऑफ अंगद वीर सिंह बाजवा, मिराज अहमद खान एंड गुरजोत खांगारू क्लिंच्ड द स्कीच टीम ब्रॉन्ज इन द शॉर्ट गन वर्ल्ड कप इन कैरियो इन इजिप्ट. यार शिवम, क्योंकि मैंने वीडियो ऑफ की थी इसलिए आपकी बफरिंग हो रही थी, क्योंकि मैंने थोड़ी स्ट्रीमिंग थोड़ी देर के लिए ऑफ की थी, याद रखना. तो अब इसकी बात करते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करते हैं, कहाँ पे है ये. हेडक्वार्टर है मुनीच, जर्मनी में. प्रेसिडेंट कौन है? ऑब्वियसली वहाँ के वेलमदीर लिसन. फाउंडेड हुआ था कब? 1907 में. त्यागी जी, मैंने बहुत सारे बुक पढ़े हैं. एक बुक नहीं पढ़ी है मैंने, और बहुत वक्त हो गया है मुझे पढ़ते पढ़ते. तो एटलीस्ट अगर तुम हिस्ट्री देखोगे और तुम जीएस की अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो, तो बच्चा मैं एडवोकेट हूँ, और उससे पहले मैंने एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे क्लियर किए हैं. ठीक है, घर से मना होने की वजह से जा नहीं पाई. लेकिन याद रखना इस चीज़ को. तो बुक्स मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, जितने जहाँ जहाँ मुझे जो जो मटेरियल्स मिलता था मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर करी है. और अगर तुम हिस्ट्री की बात करो तो मैंने तुमको बताया ना, एनसीईआरटी की बुक द बेस्ट वन, और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम की जो किताब आती है वो अच्छी है. बिपिन चंद्रा की किताब आती है वो पढ़ो कंबाइन करके. देखो अगर तुम एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करो तो तुम्हें कंबाइन करके पढ़ना ही पड़ेगा, मैं पहले बता दे रही हूँ. ठीक है ना, ये वाला जो चीज़ था ये काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था. आत्मनिर्भर अभियान, मतलब ये देखो अमन, देख लूसेंट इज़ गुड, ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे लूसेंट फिनिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि लूसेंट है थोड़ा सा टफ. तो जो बच्चे अभी नए नए हैं, जैसे जो स्कूल से या ग्रेजुएशन जो अभी जिन्होंने पास आउट किया है अभी अभी, तो लूसेंट उनके लिए तुरंत में ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है. अगर आपको लगे कि अब 3 महीने में या 4 महीने में अगर आप लूसेंट ख़त्म कर लोगे तो बच्चा ये कहीं ना कहीं गलत है. लूसेंट लोग पढ़ते हैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लूसेंट से मदद लेते हैं. ठीक है, लूसेंट है बड़ी अच्छी किताब, लेकिन तुम कंफ्यूज ना हो जाना वो एक बड़ी बात है. मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो बच्चे लूसेंट की किताब लेते हैं और फिर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बात आ रही समझ में? तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके पढ़नी शुरू करो. अगर तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो कहीं, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड बाकी की बुक्स खोलो, वहाँ से जाओ उसके गो थ्रू हो, थोड़ा जाओ देखो. बिपिन चंद्र की बुक खरीद लो, बहुत अच्छी है हिस्ट्री की. अगर तुम हिस्ट्री की डायनेस्टी बहुत ईजिली समझाई हुई है, चाहे वो तुम राजपूताना ले लो, मराठा ले लो, ईच एंड एवरीथिंग, उसके लिए वो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है तुम्हें हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत पड़ेगी. तुमने अगर सोचना है कि तुम इधर आज रहोगे, अमनदेव आप दिमाग से अच्छे हो बच्चा, और कहीं ना कहीं आप शायद गॉड गिफ्टेड हो, माइट बी, तो इस वजह से शायद आपने 1.5 महीने में कंप्लीट कर लिया, या फिर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ने में अच्छे हो सकते हो. बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर. ठीक है, चलो त्यागी, थैंक यू सो मच. चलो बच्चा, जैसे कि भी आत्मनिर्भर अभियान जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अभी. बंधन विकास योजना प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया गया था, जहाँ पे मोदी जी ने सबको कहा था कि गो वोकल फॉर लोकल, थोड़ा लोगों की मदद करो, है ना. और आत्मनिर्भर भारत का ये मतलब नहीं था कि आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, उसका मतलब ये था कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो, खुद के बलबूते पे जो है वो करने की कोशिश करो. ज़रूरत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सही भी है. बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर तुम देखोगे, केडी बाबा अटक रहा है. अच्छा अमनदेव रुक जा, मैं तुमको साइंस पढ़ाती हूँ, रुक जाओ.
अगर मैं ट्रिफेड की बात कर लूँ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर उसकी बात करती हूँ, अमनदीप एकदम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी डिफेंस में, एनसीईआरटी डिफेंस का यूपीएससी में भी एनसीईआरटी से आगे नहीं आता है, लिख के रख लो। आप पाथफाइंडर, हाँ वो बिहार में बहुत चलता है ना पाथफाइंडर, हाँ चलेगा, पाथफाइंडर भी तुम लोग ले सकते हो, लूसेंट का उसे ये माना जाता है। बच्चा आप लोग आवाज़ सही से आ रही है फिर नहीं आ रही, जरा क्लियर करो। तो केडी बाबा बोल रहे हैं कि वॉइस नॉट ऑडिबल, चलो तो इसके बारे में बात करते हैं, ट्रिफेड के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये फॉर्म्ड हुआ था, हेड क्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। मिनिस्टर कौन कौन है, अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स, चेयरमैन है रामचंद मीना। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीज इन द कंट्री। द मूव विल इंस्टीट्यूशनलाइज अ सिटीजन सेंट्रिक आई एंड इको सिस्टम ड्राइवन अप्रोच टू अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी इन सिटीज बाई 2022 एंड अक्रॉस ऑल सिटीज एंड टाउन्स बाई 2024। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सौम्या, थैंक यू अमनदेव। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल में ही लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, लॉन्च किया है जो कि कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बच्चे मेरे सारे के सारे, सब कुछ अब डिजिटल हो गया है, तुम लोग भी अपडेटेड होना शुरू हो जाओ। मैं भी थोड़ा होनी शुरू हो जाती हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ी पीछे हूँ। सो क्रिएटेड अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीज़ इन द कंट्री, जितने भी शहर हैं हमारे देश में उसके लिए डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात आ रही है, जिसको अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन बोल के। नाउ दिस मूव, ये जो मूव है कहीं ना कहीं सिटीजन सेंट्रिक है, जो इंस्टीट्यूशन है, इकोसिस्टम है, उसको सुधारने में और उसको सही करने में 2022 तक का टाइम लेगा, जहाँ पे ये ऑल अक्रॉस 2024 तक। चलो ओनली इंडियन वुमेन रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो गेम्स, सॉरी बच्चों हो सकता गलत होगा, सो ओनली इंडियन वुमेन रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो गेम्स, विनीश फोगट वॉन हर सेकेंड गोल्ड मेडल द डोमिनेंट विन एंड मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग रिक्लेम्ड द टॉप रैंक इन हर कैटेगरी इन रोम। अकेली या फिर कह लो ओनली, सिर्फ पहली और इंडियन वुमेन रेसलर जिसने क्वालिफाई किया है टोक्यो गेम्स में, ओनली इंडियन वुमेन जिसने क्वालिफाई किया है टोक्यो गेम्स में, जिसका नाम है विनीश फोगट, उसने सेकेंड गोल्ड मेडल जीता है एज मेनी वीक विद द डोमिनेंट द मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट एंड रिक्लेम द टॉप रैंक। यार सोचो यार क्या से क्या हो रहा है लोग, क्या बात है हेमंत, दैट्स वेरी नाइस। सो रैंकिंग और रिक्लेम किया है, टॉप रैंक मिला उसको अपनी कैटेगरी में रोम में, ठीक है यार। तुम लोग मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें सिखा देना, मैं थोड़ी पीछे हूँ। अभी विनीश फोगट के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने जीता है, जिन्होंने जीत हासिल की है। तो अभी विनीश फोगट ने रिज़ाइन किया है एज अ यूरोपियन चैम्पियन वेनेशा काला डिजनसिकी से 10-8 इन द फिनाले टू विन हर फर्स्ट टूर्नामेंट इन द ईयर, ठीक है। ये देख लो फोटो, देख लो, आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड द कोचेज मेमोरियल इन KYIV। नाउ द फ्रॉग्स बिलोंगिंग टू द ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग फैमिली रैको पैरडी वे आर डिस्कवर्ड बाई रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डेली एंड द केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यार दिल्ली वाले लोग पता नहीं कुछ भी रिसर्च करते रहते हैं। अभी हाल में लगता है 2-3 साल पहले की न्यूज़ थी, 2 साल पहले की न्यूज़ थी। अभी क्या करते हैं, वो कैंपस में एक पेड़ थी, बोलते पेड़ से बियर, ये क्या बोलूँ जो भी। तो अभी अभी एक फ्रैग फ्रॉग जो है मिडक, उसकी एक प्रजाति होती है जो कि ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग फैमिली से बिलोंग करती है, रैकोपरडिया, जिसको डिस्कवर किया किसने, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, केरला ने, और केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और यूनिवर्सिटी ऑफ माइनसोटा, एज पर द लॉन्ग कॉम्प्रहेंसिव स्टडी किया था उन लोगों ने स्टब फ्रॉग के ऊपर वेस्टर्न घाट में, और फाइनली उन लोगों ने ढूंढ निकाला। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग जो घर में बैठे रहते हैं, हम लोग जो घर में बैठे रहते हैं और बोलते हैं अच्छा दुनिया में ये हो रहा है, अच्छा दुनिया में वो हो रहा है, अरे उसके लिए लोग हैं जो कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं।
यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स दैट जस्ट कंक्लूडेड एट गुलमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर. दे वॉन 11 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज टू फिनिश विद द टैली ऑफ 34 मेडल्स. अभी जैसे कि पता तुम लोग को, अभी जम्मू एंड कश्मीर और लगाना मत भूलना यूनियन टेरिटरी ने अभी अभी जीता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल. मतलब सोच रहे हो यार, मतलब इतनी ज़्यादा काबिलियत भरी पड़ी है. तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल जीता है, जिसका सेकंड एडिशन हुआ था अभी खेलो इंडिया का, खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम्स वहाँ पे कंडक्ट कराया गया था. कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर गुलमार्ग में. तुमसे बार बार ही क्वेश्चन में, अगर तुम लोग भूले तो पड़ेगी तुम लोग को मार. उन्होंने अभी अभी 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, 18 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और टैली किया उन्होंने 34 मेडल के साथ. Now, recent news, the Lieutenant Governor Manoj Sinha has inaugurated the state-of-the-art General Bus Stand cum shopping complex cum multi-level parking constructed. पता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, जो बहुत सारी चीज़ें अब वहाँ पे खुल रही है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है. तो ऑब्वियस थिंग इज दैट, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं मनोज सिन्हा जी ने, उन्होंने इनाग्रेशन किया है. हाँ मंदिर पढ़ो, इनाग्रेशन किया है स्टेट ऑफ आर्ट जनरल बस स्टैंड. उसको तुम बस स्टैंड ले लो, कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ले लो, कम मल्टी लेवल पार्किंग कंस्ट्रक्टेड ले लो, मतलब एकदम वो हाईटेक वाला. हाँ जी मृदुल. चलो अब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हैं. तो धरती पे हमारा जन्नत, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन है? मनोज सिन्हा. दाशीग्राम नेशनल पार्क, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह के बारे में बताऊँ, दाशीग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरिपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब ये बताओ मेरे को, मैं गया था खेलने खेलो इंडिया. अरे वाह मनदेव, अच्छा कौन कौन गया हो तुम लोग कश्मीर बताओ मुझे. बताओ तो कौन दिन किन किन कौन कौन लोग गए हैं जो कश्मीर गए हैं, जो घूम के वहाँ पे आए हैं. नहीं अब तो काफ़ी जगह अच्छी हो गई है. टू बूस्ट द डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप 3 मॉडल विलेजेस अलॉन्ग द इंडो तिब्बत बॉर्डर एज अ पायलट प्रोजेक्टेड विथ एन एलोकेशन ऑफ ₹30 करोड़. अभी डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 3 मॉडल लाएगी विलेजेस को लेके, जैसे इंडो तिब्बत बॉर्डर जो है पायलट प्रोजेक्ट है, एलोकेशन उसके लिए एलोकेट किया गया है 30 करोड़ वहाँ के डेवलपमेंट के लिए. नाउ रिसेंटली अगर तुम न्यूज़ देख लो अरुणाचल प्रदेश की, तो फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर माता प्रसाद डाइड फॉलोइंग मल्टी ऑर्गन फेलियर एट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. ही वॉज 95 ईयर्स ओल्ड. मनाली तो ठीक है, मनाली तो मैं भी गई हूँ, मनाली क्या है. चलो तो अभी देख लो कश्मीर यार है बड़ी खूबसूरत जगह यार, मैं सोच ही जाऊंगी कभी वक्त हुआ अगर कभी तो. क्या बात है मंदेव. अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर थे माता प्रसाद, वो उनकी मृत्यु हो जाती है मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में, और जो कि एक मेडिकल कॉलेज भी है और साथ ही साथ हॉस्पिटल भी है. वो 95 ईयर्स के थे, ठीक है याद रखना. यार अब खेलो इंडिया कैसे ज्वाइन करना है तुम अमनदेव से पूछो, ये गया है बता रहा है ना अमनदेव कि मैम मैं गया हूँ. मेरा पाँव, कोई बात नहीं होता है कभी कभी, अभी तो पाँव फिर भी बेटर ही है. नाउ
सीएम के बारे में बात कर लेते हैं, वहाँ पे पीएम खांडू, गवर्नर कौन है बीडी मिश्रा, लैंड ऑफ द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है, सूरज सबसे पहले वहाँ पे निकलता है, देखा जाता है वहाँ पे। हाँ हेमंत, कश्मीर को ही घर बनाना है एकदम क्लियर। नाउ लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया और द पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट, नामदहा टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर सूरज सबसे पहले निकलता तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। चुप हो जा दीप सिंह, सीएम मैं हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज कहीं था आज के न्यूज़ के बारे में आपको पूरी तरीके से मैंने जानकारी जो है वो मैंने आप लोग को दे दी है, प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। और आज आप लोग के क्वेश्चन मैंने रखे नहीं थे, आज मैंने आप लोग का सिर्फ न्यूज़ सेशन रखा था कि आज आप लोग को मैं न्यूज़ बताऊंगी कि आज का क्या क्या न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, वो सारे मैं कवर करके लेके आई थी आप लोगों के लिए। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। आज शाम को 7:30 बजे आप लोग को शायद पॉलिटी है या फिर हिस्ट्री की, आज मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आप लोग को लगता है शायद आई नीड टू चेक, शाम को औरंगजेब या शाहजहाँ पढ़ा रही हूँ मैं, रुक जाओ बता ही दे रही हूँ तुम लोगों को, या फिर पॉलिटी वाली 100 क्वेश्चन। तो सबके सब शाम के 7:30 बजे जो है तुम लोग आ जाना, 7:30 बजे आ जाना पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा यार, चलो बाय बाय, टेक केयर, जाओ, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ जितने लोग बेड पे हो और बेड पे बैठ के अपनी क्लासेस को देख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा आपका। और अब उठ के जाके खाना पीना खाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और फिर थोड़ा बहुत पढ़ने बैठ जाओ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा पढ़ के। क्लास क्लास क्लास, नहीं आज आपकी पॉलिटी है, कल है आपका वो सहा और औरंगजेब।